आशा मस्ती भरे भक्ति भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि में जाने का आग्रह भी करती है, इसलिए कर्ता ध्वनि अवश्य पढ़ना आगे बढ़ना। मैं मंडल पदाधिकारी महोदय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी श्री राजकमल जी एवं डॉक्टर तनवीर आलम जी, सर्वप्रथम मैं अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 2021 के इस अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूँ कि हमें यह एक अवसर प्रदान करता है कि हम दिव्यांगजनों के लिए के संबंध में अपनी बात रख सके। वह हमें एक मंच प्रदान करता है जहाँ हम दिव्यांगजनों के अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक कर सकें, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ना सिर्फ दिव्यांगजन बल्कि आम जनों को भी दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए या बनने के लिए हम लोग प्रयास कर सकते हैं। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता है जो दिव्यांगजनों के हितों के लिए काम करती है और उनके लिए लगातार प्रयासरत रहता है। यहाँ पर हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय के सफल नेतृत्व में लगातार प्रयासरत हैं कि यहाँ के जितने भी दिव्यांगजन हैं उन तक उन सभी अधिकारों का को के तहत आच्छादित कर सकें, जिसके लिए उनके लिए कार्यक्रम बनाए गए हैं, यह योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। आज हम रूप में मनाता है और साथ ही साथ आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी जन्मदिन है जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, और बेगूसराय से उनकी एक विशेष यादें जुड़ी हुई है। हम सभी जानते हैं कि हमारे पास एक सिमरिया पुल है जिसका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुल है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ही उसका उद्घाटन किया था, तो हमारे जहन में रसे बसे हैं। 1992 में यूएन का कन्वेंशन हो रहा था, उस यूएन कन्वेंशन में पूरे वर्ल्ड को कहा गया था कि हमें एक ऐसा दिवस मनाए जिसमें पूरा देश, दुनिया में जितने भी देश हैं, वो दिव्यांगजनों के लिए कुछ अच्छा करें, दिव्यांगजनों के लिए विशेष काम करें। और उसी कन्वेंशन के तहत 3 दिसंबर को पूरे वर्ल्ड में विश्व दिव्यांगता दिवस जन्मदिन था, और इसके इस अवसर पे जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के द्वारा हर हर महादेव चौक पे और सदर अस्पताल में उनकी स्थापित प्रतिमा का मूल्यांकन किया गया। बिहार शिक्षा परियोजना बेगूसराय द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया था। तकरीबन 100 बच्चों को, 100 दिव्यांग बच्चों को उनके तहत जो उपकरण थे उनको उपलब्ध कराए गए, व्हील चेयर उपलब्ध कराया गया, ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराया गया, हियरिंग एड्स की डिवाइस उपलब्ध कराई गई, और जो दृष्टि बाधित बच्चे थे उनको भी डिवाइसेज उपलब्ध कराई गई, किट उपलब्ध कराई गई है। और हालांकि निर्देश दिया गया है कि और भी बच्चों को चिन्हित करें और जो बचे हुए उन सभी को उपकरण हैं आवश्यकतानुसार उसको उपलब्ध करवाएं। साथ ही साथ इस अवसर पे सभी लोगों ने चर्चा भी की कि एक ऐसा दिवस है कि ना केवल अधिकारियों को बल्कि सभी नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि इस बात को समझें, अपने कर्तव्यों को समझें कि किस तरीके से हमारे दिव्यांग भाइयों बहनों के साथ संवेदनशीलता का व्यवहार रखना चाहिए, उनका अपने फुल पोटेंशियल को ग्रो कर सकें, अपने जीवन में विकास कर सकें, समाज और देश के विकास में सहयोग कर सकें, किस तरीके वो लोग कर सकें, इस पर भी हम लोगों का व्यवहार उसी तरह रखना चाहिए, उनको पूरी तरीके से सहयोग करना चाहिए। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और मैं समझता हूँ कि हमारे सभी पदाधिकारी इसमें और संवेदनशील होके और हमारे बेगूसराय के जिले के निवासी बहुत सब संवेदनशील हैं, इस दिशा में आगे अच्छा काम करते रहेंगे। सर, कोरोना महामारी फिर पुनः फैल रहा है। हाँ, कोरोना के संबंध में जैसा कि हम लोगों ने कल भी बैठ के बात की थी कि एक तीसरी लहर की आशंका है, एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में जैसे अन्य देशों में काफ़ी खतरनाक ये रूप दिखा रहा है, और भारत में भी कल अपने देश में भी कल 2 मामलों का रिपोर्टिंग हुआ है, तो हो सकता भी और भी लोग ऐसे संक्रमित हों, तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को जिस तरीके से दूसरी लहर के समय बचाव सब किए जा रहे थे उसी तरीके से मैं लोगों से अपील करता हूं कि लोग अब कोरोना का बचाव के लिए जो उपयुक्त व्यवहार है उसका अनुपालन करें, घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी का अनुपालन करें,
ज़रा सा भी तबीयत खराब हो तो कोरोना की जांच अवश्य करा लें। आपके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति बाहर से अगर आया हो तो उसको भी अनुरोध करें वो जांच करा लें, ताकि आपका टोला मोहल्ला आपका गांव कोरोना संक्रमण से बच सके। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने कल सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की थी और इस लहर के अगर आता है वेव आती है फिर से और संक्रमण फैलता है तो उसके इलाज के लिए पूरी तैयारी करवाने का निर्देश दिया गया है। 3-4 दिन में सभी डॉक्टर्स ने सभी मुआइसे में आश्वस्त किया है, सिविल सर्जन साहब ने भी किया है, 3-4 दिन में पूरी व्यवस्था कर ली जाएगी। और साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अब थोड़ा सा कोरोना के लिए मास्क चेकिंग अभियान वगैरह चलाएँ ताकि लोग इससे भी जागरूक हों और इससे हम लोग कोरोना संक्रमण को